आज के इस बदलते दौर में किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपको साइबर कैब वाले के पास जाना पड़ता था, या दोस्तों आपको किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान में जाना पड़ता था और वहां पर आपको टाइप करना पड़ता था एप्लीकेशन को और प्रिंट आउट कर निकलवा लेना होता था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे आप अपने मोबाइल से खुद से एप्लीकेशन को टाइप करके कहीं भी जाके 2 मिनट के अंदर निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट। तो वह कैसे क्या करना है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा तो आप समझ पाइएगा एप्लीकेशन अपने मोबाइल से खुद से कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली दोस्तों अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको चले जाना, डायरेक्टली जाने के बाद वहां के सर्च बार में आपको टाइप कर देना है वर्ड, या दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से आ सकते हैं। आने के बाद दोस्तों इसको यहां से आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा तो ओपन यहां से कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो इस तरह से आपको ये कर देना। करने के बाद आपको इस सामने इस तरह का इंटरफेस होता है तो यहां पर आपको ऊपर में जो दिया गया है प्लस का आइकन, तो सिंपली आपको न्यू एप्लीकेशन को लिखने के लिए इस प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो आप एक न्यू एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, नहीं ब्लैंक पेज की, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो जिस टाइप में भी आप लिखना चाहते हैं तो सिंपली आपको उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद टाइम लगेगा और इस तरह से यहाँ पर भी आपको चेंज करके इंग्लिश में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद एप्लीकेशन मुझे लिखना, तो सिंपली मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक करें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सिंपली अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका अपना मोबाइल का कीपैड खुल जाएगा। खुलने के बाद आप यहाँ पर जो हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के यहाँ पर टाइप करना है आपको सेवा में, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेवा में टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है बोल्ड का आइकन, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं। तो सिंपली बोल्ड करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेना, जैसा कि यहाँ पर मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे इंटरफेस मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको ये जो कैंची का निशान दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करके कट भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, या दोस्तों इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बोल्ड भी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं बोल्ड हो चुका है। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये दिखाई अच्छे से नहीं दिखा। बड़ा करने के लिए इस पर जो यहाँ पर 10 का आइकन दिख रहा है 10, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने का आप अपने मुताबिक जितना भी रखना चाहते हैं फॉन्ट को साइज, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं मैंने इस फॉन्ट को साइज को बढ़ा दिया है, तो इस तरह से फॉन्ट को साइज को बढ़ा सकते हैं, या बोल्ड करना है तो बोल्ड भी रख सकते हैं, और इधर से इटालियन टाइप का करना चाहते हैं तो इटालियन टाइप भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं मैंने यहाँ पर कर रहा है। जैसे अंडरलाइन देना तो यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और इस तरह से देना तो ए बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जैसा कि आप देखते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर सारे फंक्शन दिए गए हैं। अगर आप कुछ गलती कर दिए हैं तो यहाँ पर आपको ये रिटर्न का ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर एरो दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करके ये रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके क्लियरिटी फॉर्मेटिंग मतलब यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर स्टाइल की बात करते हैं तो इस तरह से स्टाइल में आप बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो आप लगा सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। तो इस तरह से आपको इसको साइज बड़े करके एप्लीकेशन को बड़े आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को लिखता हूँ। तो सेवा में टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर जो इस तरह का आइकन देख रहा है अपने मोबाइल के कीपैड में, तो उस आइकन को आपको क्लिक करके इसको आगे बढ़ा लेना। जैसे मैं यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ाने के बाद इस तरह से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है श्रीमान, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्रीमान। तो श्रीमान जो भी आप जिसको भी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आपको टाइप कर देना सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय। तो इस तरह से आपको टाइप करने के बाद फिर से आपको यहाँ से नीचे कर लेना। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर विषय टाइप करना है, तो विषय को टाइप करने के बाद आपको इस तरह से सेट कर लेना। सेट करने के बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन इस तरह से लिखेंगे।
जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा इस एप्लीकेशन को, ये दूसरा एप्लीकेशन है। तो इस तरह से आप इसे टाइप करके बड़े आसानी से लिख सकते हैं। और भेजने के लिए आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर शेयर अटैचमेंट करके आपको PDF में यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन को लिख करके इसे अपने किसी भी साइबर के आपके वाले के व्हाट्सएप पर इसको भेज दीजिए और वहाँ से इसको आसानी के साथ प्रिंट निकाल सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो दोस्तों इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी आ रही है कुछ भी समझने में, तो हमें इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं बड़े आसानी के साथ। या दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन करके हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।